सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये देखिए, सारे नैतिक के कपड़े रखे हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही लिए होंगे। और ये सारा मेरा मेकअप का सामान रखा है, जो भी मुझे चाहिए मैंने पैक कर लिया है। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। तो मुझे मम्मी के घर जाना ही था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या रखा है मेकअप में। जो थोड़ा बहुत सामान था वो रखा है, वेट वाइप्स, डियो, और ये स्टे क्रिके की मिनी लिपस्टिक, और ये कंघा, और ये सारे नैतिक के कपड़े हैं। मैंने अभी अपने कपड़े नहीं निकाले हैं, मैं अपने कपड़े जब ये आ जाएंगे तब निकालूंगी, क्योंकि पैकिंग मेरी जो है वो यही करते हैं। यहाँ पर नैतिक और महिमा खड़े हैं, महिमा नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। पहले तो वो बोल रही थी कि जाना है, फिर उसका मन नहीं हुआ तो वो बोल रही मैं नहीं जाऊँगी। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर काम भी है, तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी। तो ये महिमा ने अपने हाथ में आईलाइनर से नाम लिखा था, तो वो दिखा रही थी। तो यहाँ पर ये आ चुके थे, तो ये मेरी पैकिंग भी हो गई थी फाइनली। और जो थोड़ा बहुत ये सामान मेकअप का रखा था, मैंने निकाल तो सब कुछ दिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, बस इनको रखना है। ये ना बहुत अच्छे से बैग लगाते हैं, थोड़े सी जगह में बहुत सारा अरेंज कर देते हैं कपड़ा, बहुत अच्छे से बैग लगाते हैं। तभी जो है ये थोड़े से जो कपड़े इतने थे छोटे से बैग में आ गए, वरना जब मैं वापस आऊँगी ना, तब समझ में आएगा मुझे कि मैं कपड़े कैसे रखूँ। तो वही मैं इनको सारा सामान दे रही थी, तो ये अरेंज करते जा रहे थे। और यहाँ पर मैं इनकी हंसी भी उड़ा रही थी कि भला ऐसा कौन करता है यार कि अपनी बीवी को ही मायके भेजने के लिए उसका बैग लगाए। तो ये हंस रहे थे, बोल रहे थे मैंने कब कहा कि तुमसे जाओ, तुम ही जाने की जिद कर रही हो। और सच में ये तो मुझसे मना कर रहे थे कि क्या करोगी जाके। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत दिन हो गए, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है जाना है। और पता है मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी इस समय कि बस मुझे मम्मी के घर जाना है। तो वही मैं इनकी हंसी उड़ा रही थी, अभी ये हंसेंगे भी कि बताओ ऐसा कौन करता है, सारा एक एक बैग पैक करना, सारी चीज़ें जिम्मेदारी से रखना। मैं भूल जाती हूँ तो मुझे ये याद दिलाते हैं कि तुमने अभी ये नहीं रखा, तुमने अभी वो नहीं रखा। सारी दवाएं, कफ, इस समय मुझे कोल्ड और कफ वगैरह हो रखा है, तो वो भी कफ सिरप वगैरह सब कुछ ये मुझे बता कर रखते हैं कि अभी ये। तो देखिए थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे ये मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे यहाँ पर यही बात कर रही थी कि बताओ कौन ऐसे करता है। तो यहाँ पर ये दवा भी रख रहे थे और नैतिक लेटे हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा ये नाश्ते का डब्बा रखा था, थोड़ा सा हम लोग कुछ खा रहे थे, गुजिया वगैरह, तो वो रखी थी। तो यहाँ पर ये देखिए बोल रहे हैं तुम्हारी सारी दवाएं हैं, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, जो भी है सब कुछ रख दी थी इन्होंने। तो बस मेरा बैग जो है वो हो चुका है बिल्कुल तैयार, मैं जाने के लिए हूँ मायके, बिल्कुल मायके जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो चलिए, ये मेरी कबर्ड जो कि थोड़ी सी खाली हो चुकी है, थोड़े से इससे कपड़े निकल चुके हैं, सारे तो नहीं निकले बट हाँ थोड़े से निकले हैं। तो ये कुछ कह रहे थे कि थोड़ा कुछ सामान और भी हो तो याद कर लो अभी, तो नहीं तो भूल ना जाना कल सुबह। और नैतिक भी लेते हैं, और अभी टाइम हो रहा था 10:15 का, तो 10:15 मैं पैकिंग कर रही थी। एक्चुअली मैं पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, मैं कर ही नहीं पाई पैकिंग। और फिर वैसे भी शाम को ही पैकिंग सही रहती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 5 मिनट बाकी है मॉर्निंग में, 12 बजने वाला है, ये फिर आफ्टरनून हो जाएगी। और रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। पता है आप लोग, मैंने बताया था मम्मी के घर जा रही हूँ, और मेरे साथ जा रहे हैं नैतिक, महिमा नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। पहले मन था महिमा का, फिर बोली मैं नहीं जाऊंगी। मैं एक चीज बताऊंगी, तो नैतिक जा रहे हैं, क्या बताऊंगी। मेरे क्रैक्स में मैग्नीफाइंग निकला है। हाँ, तो नैतिक क्रैक्स खा रहे थे तो उसमें ये निकला है, मैग्नीफाइंग ग्लास निकला है, तो नैतिक वही दिखा रहे हैं। उतनी देर से बड़े खुश है, महिमा नहीं जा रही है, चाचा का चश्मा लगाए हैं, नैतिक अपना लगाए हैं, और पूरी तरह से रेडी हूँ। ये मेरा बैग भी रखा हुआ है, बड़ा वाला पहले सोचा था ट्रॉली बैग लेके जाऊँ, बट इतना ज़्यादा कपड़ा था नहीं, इसी में आ गया। तो फिर मैंने कहा क्यों फालतू पर ट्रॉली बैग लेके जाऊँ। और ये मेरा हैंड बैग रहेगा, अभी इसमें सामान रखना है। चूड़ी वाला बॉक्स मैंने इसी में रख लिया क्योंकि उसमें अब जगह नहीं थी। और इनसे पूछती हूँ इनकी राय क्या है। मुझे बड़ी मजा आ रही है। तो चलिए फिर, टाइम हो गया है, 12 बजे मुझे निकलना है। तो पहले ही मुझे छोड़ेंगे, फिर नैतिक को लेने आएंगे, क्योंकि बैग है बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बड़ा बैग एक साथ हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो चलिए फिर, अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, मम्मी के घर के मायके ब्लॉग, बहुत दिनों बाद। आई थिंक एक बार के बाद दोबारा आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, गई तो थी
लेकिन रुकने के हिसाब से मैं पूरा एक साल बाद जा रही हूँ। पिछली होली में गई थी, इस साल होली भी बीत गई, नहीं जा पाई, तो अब जा रही हूँ। चलिए आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो यहाँ पर हम लोग बस में बैठ चुके थे, 12 बजे मैं आ गई थी बस, बट बस आई थी 12:30 बजे। और नैतिक यहाँ पर आपको सामान दिखा रहे हैं जो भी नैतिक ने अपने चाचा से खाने पीने के लिए लिया है, बट इसने फिर कुछ खाया नहीं था, खाया हम लोगों ने घर पे ही था आके, नहीं खाया था फिर रास्ते में। तो बस में बैठ चुकी हूँ, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, सभी को होती होगी, आई नो सबको होती होगी, मायके जाने की खुशी किसको नहीं होती। मायके जाने के बाद ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, ना ये है कि हाय सुबह जल्दी उठना है या ये काम करना है वो काम करना है, जब मन हो तब काम करो, जब मन हो तब ना करो, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो बस मैं बहुत खुश थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी ना, मेरी खुशी भी वैसे वैसे आगे बढ़ रही थी। और नैतिक तो यूजुअली वैसे भी खुशी थे एज यूजुअल, बहुत ज़्यादा खुश थे नैतिक कि नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। अभी तो हम लोग बस अपने शहर से निकले ही थे, अभी फतेहपुर भी पूरा क्रॉस नहीं हुआ था, ये हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे, आई थिंक आधा आ गए थे, अभी आधा बचा था। तो ये क्रॉसिंग से ट्रेन जा रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि चलो थोड़ा बहुत ट्रेन भी दिखा देती हूँ, जा रही हूँ, रास्ते में जो जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस फाइनली यहाँ पर हम लोग एंटर कर चुके थे अपने जहानाबाद में, यानी कि अपने होम टाउन में, अपने घर में, अपने मायके में, जहाँ की मिट्टी खुशबू एक अलग ही है, अलग ही एक वो देती है। तो बस थोड़ा सा ही मतलब हम लोग जहानाबाद में एंटर हो चुके थे, थोड़ा सा ही यहाँ से घर था, और वैसे भी मुझे बाज़ार के पास, मतलब वैसे भी मुझे आगे जाके उतर जाना है, वहाँ से मुझे रिक्शे से ही घर जाना है। मैंने भैया को कॉल नहीं किया है क्योंकि नैतिक साथ में बैग है, वैसे होता है तो मैं भैया को कॉल कर देती हूँ तो वो आ जाता है मुझे लेने, बट आज मैंने नहीं किया तो मुझे डांट भी पड़ गई, मम्मी भी बोली तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, भैया भी बोला तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं आ जाता, भले तुमको रिक्शे से आना था रिक्शे से आ जाती, पर मैं तो वहाँ पर रहता तुमको उतारने के लिए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ गई थी। तो चलिए अब सीधे आप लोगों से घर पर चल कर बात करूँगी। तो मैं आ चुकी थी घर पे, और घर पे आके मम्मी बोलने लगी क्या खाओगी, मैंने मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मम्मी ने ये नाश्ता लगाया था, इसमें गुजिया, मठरी, सेव, बालूशाही, सोहाल सब कुछ थे। और नैतिक भी यहाँ पर कपड़े चेंज कर चुके थे, कपड़े वपड़े चेंज करके हाथ मुँह धुल लिए थे, नैतिक को जो खाना पीना था वो खा लिया था, नैतिक अपनी स्लीपर निकाल रहे थे पहनने के लिए, बोल रहे थे मुझे स्लीपर निकाल दो क्योंकि नैतिक को बाहर खेलने जाना है, इसलिए नैतिक ने अपनी स्लीपर निकाल ली है, नैतिक जा रहे हैं बाहर खेलने। तो देखकर आप लोगों को पता ही चल गया है मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर, 3 बजे आ गई थी एक्चुअली, मैं टाइमिंग है बस की 12:30-1 पे चलती है फतेहपुर से और 3 बजे पहुंचा देती है। तो रिक्शा किया, रिक्शा करके घर आ गई थी, और आज भैया को नहीं बुलाया था, वैसे भैया को फ़ोन कर देती तो वो पहुँच जाता है बाइक से, लेकिन आज नैतिक भी साथ में थे, बैग था बड़ा वाला, तो मैंने नहीं बुलाया था। मैं आ गई थी तो चाय वाय पी ली, नाश्ता वास्ता सब कर लिया है, अब थोड़ा सा घूम लूँ, सबको बता दो दूँ कि हाँ हाँ मैं आ गई हूँ। और मम्मी भी कुछ कर रही थी, ताला बंद कर रही है एक्चुअली, मैं जा रही हूँ सामने भाभी के यहाँ बैठने, तो मम्मी बंद कर रही है ताला, और नैतिक पहले ही वहाँ पहुँच गए हैं, महिमा का वीडियो कॉल आया था, बोल रही थी नैतिक को दिखाओ, मैंने कहा तुम आई क्यों नहीं, तुमको भी आ जाना चाहिए था। तो भाभी के यहाँ बैठने के बाद समय का पता ही नहीं चला था, काफ़ी टाइम तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहे थे, उसके बाद घर पे आए, मम्मी ने खाना वगैरह बनाया, हम लोगों ने खाया पिया, और अब मम्मी अपने लड्डू गोपाल को सुला रही हैं। तो मम्मी हर महीने वृंदावन जाती हैं, तो वहीं से ये मच्छरदानी लेकर आई थी, इसमें गद्दा तकिया सब कुछ है, और ये रजाई मम्मी ने अपने हाथों से बनाई थी। तो मम्मी सुला रही थी, नैतिक को बुला रही थी कि नैतिक आओ दिखाएं, देखो मेरे लड्डू गोपाल कैसे सोते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ, मैंने तो गुड नाइट नहीं बोला है आज, मेरे लड्डू गोपाल ही आप लोगों से गुड नाइट बोलेंगे, लड्डू गोपाल मेरे आप लोगों से गुड नाइट बोलेंगे आप लोगों से। तो वही देख ली, दिखा रही थी, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को, और ये सो चुके हैं वो लेट के, मम्मी ने उनको लिटा दिया मच्छरदानी में, कितनी प्यारी मच्छरदानी लग रही है। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।
बाय।